मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय परिसर के सभागार में ग्रोथ ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश विषय पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जसवंत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर डॉक्टर जसवंत सिंह ने कहा कि आज के वर्तमान परिदृश्य में वोकेशनल एजुकेशन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से युवा अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं और इसमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एक वर्कशॉप वोकेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर की, जिनका मेन उद्देश्य है कि वोकेशनल एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। आज ऑर्डिनरी बीए या बीएससी करके हम जब मार्केट में उतरते हैं तो हम जॉब सीकर नहीं बन सकते, हमें जॉब नहीं मिल सकती है, लेकिन जब हम ट्रेड होके निकलेंगे, उसकी स्किल लेके निकलेंगे जॉब लेने, तो हमें अच्छी ऑफर मिलेगी। जैसे कि आजकल बच्चे होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या एमटीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ये सारे कोर्सेज रिलेटेड हैं स्किल से। ये किसी भी प्रोफेशन में आप जाएंगे, आप देखो पहले ट्रेडिशनल होता था, दर्जी का बेटा दर्जी बनता, लेकिन उस प्रोफेशन का नाम अब फैशन डिजाइनिंग हो गया। और वही ही लोग आज जैसे नीता लूढ़ा तरह या रोहित की तरह जाने जाते हैं। तो इसमें हमें कैरियर को एडवांस करने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम बड़े धन्यवादी है कि डिपार्टमेंट ने यहाँ ये वर्कशॉप करवा के बच्चों को इसके बारे में बताया, ताकि बच्चे फ्यूचर में इसका बेनिफिट उठा सकें। वहीं वल्लभ महाविद्यालय के वोकेशनल एजुकेशन के नोडल ऑफिसर डॉक्टर हेतराम ठाकुर ने बताया कि महाविद्यालय में वोकेशनल एजुकेशन पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसका आयोजन उच्च शिक्षा निदेशालय व कौशल विकास निगम के सौजन्य से किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला का विषय ग्रोथ ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश था और इस कार्यशाला में मंडी कॉलेज और कुल्लू कॉलेज व 5 स्थानीय पाठशाला के प्रतिभागियों ने भाग लिया। वोकेशनल एजुकेशन में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जो मुख्य रूप से डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन कौशल विकास निगम के सौजन्य से यहाँ किया गया, जिसका टाइटल था ग्रोथ ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश, जिसमें मुख्य रूप से मंडी कॉलेज, कुल्लू कॉलेज और 5 स्थानीय स्कूलों में ने भाग लिया। स्कूलों में मुख्य रूप से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मंडी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स मंडी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रणधाड़ा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स सुंदरनगर के लगभग 250 बच्चों ने भाग लिया। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, कैसे इसको पॉपुलराइज किया जाए, कैसे इसको एम्प्लॉयबिलिटीज में मिले बच्चों को, और कैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो प्रोटेक्शन है इसको इसमें शो किया जाए। मैं मानता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में वोकेशनल एजुकेशन सालों से चला आ रहा है, परंतु प्राइवेट सेक्टर में हर बच्चे का पहुँचना मुश्किल होता है। वी नीड गवर्नमेंट शेल्टर इन एजुकेशन स्पेशली, इसलिए गवर्नमेंट ने यूजीसी ने मुख्य रूप से 2015 के बाद इसको शुरू किया और हिमाचल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12 महत्वपूर्ण कॉलेजेस में इसको शुरू किया गया, जिसमें मंडी कॉलेज एक मुख्य कॉलेज इसमें है। तो ये दूसरा साल वोकेशनल एजुकेशन का है, इसमें शुरुआती वर्षों में कई अप्स एंड डाउन्स रहे। तो इस तरह ये जो वर्कशॉप का सीरीज है, 5वीं वर्कशॉप है हिमाचल प्रदेश में, जो लास्ट वर्कशॉप है आज महाविद्यालय में संपन्न हुई, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वोकेशनल एजुकेशन मुख्य रूप से जो 2 सेक्टर इसमें चुने गए हैं, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर है। इसके अलावा और सेक्टर भी बहुत है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, दूसरा बिजनेस ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, तो इन सेक्टर्स में भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी दी जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ रोज़गार चाहते हैं, तो इसलिए स्किल पर ज़्यादा जोर है। मैं आशा करता हूँ कि इस वर्कशॉप का यही कंक्लूजन निकलेगा कि स्किल पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए और रोज़गार बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, केसराल।